सो मेन रोड से पुलिस वालों ने रोक दिया था, सो भाई ने एक शॉर्टकट लिया। बोलू यार मन में लगता तो दिन यार। बस मम्मी इतनी रोटी। सो हमारे नए वीडियो ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। सो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के ब्लॉग है वो भाई केदारनाथ के बाद आएंगे। सो अभी हमारे सौरभ भाई, लास्ट टाइम आप लोग सब मिल चुके हैं कि हम लोग साथ में केदार गए थे, और इस बार भाई सौरभ भाई नहीं, हम लोग 8 जने और हैं, मतलब 9 जनों का ग्रुप बन चुका है मेरे गाँव से। सो फिलहाल हम राजस्थानी है तो भाई मिर्च और रोटी खा रहे हैं, उन्हें बैग पैक नहीं किया। सो ये बैग पैक करना और निकलना ट्रेन के लिए। अरे बाय बाय, बोलो हर हर महादेव। बोल अरे हर हर महादेव। थैंक यू भाई, अभी हमारे घर पर एक बहुत मस्त वाली खुशखबरी लेकर आए थे, ये आपको मैं केदारनाथ से बताऊंगा। थैंक यू भाई। रेलवे स्टेशन। सो गांव की बस से हम लोग पहुंचे राजनगर, और यहां से हमारी आगे ट्रेन है श्री गंगानगर के लिए। तो स्टेशन पर हम लोग पहुँच गए, और स्टेशन पर पहुँचते ही देखिए भाई ट्रेन भी आ चुकी है। सो हमारा डिब्बा लास्ट वाला है। सो भाई अब सीट की मारा हमारी फिक्स है। लो भाई पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। सो हम लोग ट्रेन पे आ चुके हैं, और ट्रेन का हाल देख लीजिए भाई, इससे पता लगता है कि हम राजस्थान में हैं। सो पूरी ट्रेन मिट्टी से भरी पड़ी। हमारी जो जर्नी होने वाली है वो बहुत मस्त वाली होने वाली है, और अब हम लोग निकल पड़े हैं राजनगर से श्री गंगानगर के लिए। ट्रेन में धूल खाते खाते गंगानगर तो पहुंच गए, पर भाई आगे क्या करना है अब सोच विचार। सो हमारी ट्रेन पहुंची है यहाँ पर 9:50 को, और भाई जो कल सुबह हमारी ट्रेन है ना वो है 4:20 को। सो अभी 6 घंटे वेट करना है, और वो सामने देखिए 3 बंदे हमारे आगे बैठे हैं। तो फाइनली डिसीजन, आज रात रेलवे स्टेशन पे रुकना है, और वो भी 4 बजे तक। सो चलते हैं वेटिंग हॉल की तरफ। सो आज की रात यहाँ पर हमारा स्टे है, रात्रि का खाना हमारा स्टेशन पर हो रहा है। ये देसी घी वाले शक्कर पारे हैं। सौरभ खटू ले गए बता। अब हम थक चुके हैं और सोने की तैयारी कर रहे हैं। सो अभी के लिए शुभ रात्रि, अब मिलते हैं कल सुबह। सो आज हमारे दिन की शुरुआत गंगानगर में हुई है। सो अभी ट्रेन में जाके रेस्ट करते हैं, बाकी के हमारे जो फ्रेंड है वो दूसरे कोच में हैं, और यहाँ पर एक दो ही लोग हैं, ज़्यादा नहीं है। सीट है 57-58। तो हम हमारे कोच में पहुँच गए, और यहाँ से हमारी जो जर्नी है वो हरिद्वार के लिए स्टार्ट है। तो अपनी सीट पर आने के अलग ही मज़े हैं, लेकिन अगर सीट पर चाय मिल जाए ना तो मज़े दोगुने हो जाते हैं। सौरभ चाय किए हैं बाकी के साथ वाले हमारे S4 में हैं। और सुनील ओ तेरी क्या हाल चाल सर? एकदम बढ़िया भाई। सो भाई साहब हमारे साथ साथ जा रहे हैं, और एक और है मेन, वो सामने बैठा प्रधान। भाई ने बोला था रूम दिलवाऊंगा सब कुछ करूंगा, स्टेशन पर भाई पूरी नाइट निकाली, बंदा एसी में पड़ा था कि भैया सीधा हरिद्वार में मिलाऊंगा। हर हर महादेव। सो हमारे साथ केदारनाथ जाने वाले सब लोग आ चुके हैं। सो जब मैं पहली बार गया था अकेला, उसके बाद मैं अपने फ्रेंड के साथ गया था, और इस बार मैं गांव से भाई 8 लोगों को लेकर जा रहा हूँ। सो हम हमारी सीट छोड़ के आ गए भाई लोगों के पास। सो सब एक साथ बैठे हैं। हम अभी हम लोग रूड़की पहुंच चुके हैं, यहाँ से हमारे हरिद्वार की दूरी कुछ ज़्यादा नहीं है। फाइनली राजस्थान वालों ने इतना पानी देख लिया है। हमारी यहाँ से हरिद्वार की यात्रा शुरू होती है। सो भाई लोगों अपनी बोल बोल की बोल लूं यार मन में लगता तो दिन था यार। सो हरिद्वार से हमारी ट्रेन सीधे डायरेक्ट ऋषिकेश ही जा रही है। सो हम लोग ऋषिकेश जा रहे हैं हम सब। वाह क्या सीन है, कौन बोला? ऋषिकेश के लिए
कि जा रहे थे ट्रेन में, मिले हमें दो भाई लोग और। भाई लोग राजस्थान से है, कहाँ जा रहे हो ये बताइए? केदारनाथ। सो भैया सबकी जो डेस्टिनेशन है वो केदारनाथ ही है, और केदारनाथ में हमसे लोग जुड़ने लगे। सो भाई भी हमें मिले, काफ़ी अच्छा लगा भाई। हर हर महादेव, करते हैं पूरी ये यात्रा। सो भाई हमारे दोनों यूट्यूबर हैं और दोनों भाई सोलो ट्रैवल कर रहे थे, मिले और देखिए दोनों साथ में चल रहे हैं। तो भाई अपने यूट्यूब चैनल का नाम बताइए। बैकपैकर विष्णु यूट्यूब चैनल, हिचहाइकिंग करके पूरा ट्रैवल कर रहे हैं भाई। इन्होंने नेपाल किया सिर्फ 3000 में दोनों ने, बहुत सही किया यार। भाई आप अपने चैनल का नाम बताइए। मेरा एनजे मिनारिया। क्या? एनजे मिनारिया। एनजे। तो दोनों भाई के चैनल को यार सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और वो वाले भाई तो ऐसे ऐसे ही हाथ हिला रहे हैं, उन पे इतना गौर मत कीजिए। पहुँचने वाले हैं और यहाँ से हम लोग टैक्सी देखेंगे। तो ठीक है भाई, भाई लोग रुकेंगे यहीं गुरुद्वारे में, हम मिलेंगे केदारनाथ। जरूर भाई। लोग ऋषिकेश पहुँच चुके हैं। अब बस यार आगे गाड़ी सेट हो जाए, फिर हम सोनप्रयाग भी पहुँचेंगे, गौरीकुंड भी पहुँचेंगे और डोली के साथ भाई केदारनाथ जाना है। तो योगनगरी ऋषिकेश तो हम आसानी से पहुँच गए बाई ट्रेन, लेकिन यहाँ से शुरू होते हैं हमारे टास्क आगे जाने के लिए। तो स्टेशन से बाहर निकलते भाई यहाँ गर्मा गर्म फूड बन रहा है, रोटियाँ बन रही है, सो यहीं पर खाना खाना है। भाई ऋषिकेश में आते ही हमें खाना मिला है और रोटियाँ एकदम मस्त बन रही थी, सो हमने खाना यहाँ पर ऑर्डर किया और थाली का प्राइस सिर्फ 60 रुपये। तो 60 रुपये के अंदर चार रोटी, चावल और ये सब। 60 रुपये के अंदर मस्त वाला खाना खाकर अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। चले भाई लोग, तो खाना खाने के बाद अब हम लोग फिर से झोला उठाकर निकल पड़े हैं बस स्टैंड की तरफ। सो यहाँ से बस स्टैंड की दूरी कोई ज़्यादा नहीं है, 800 मीटर थी, तो सोचा पैदल ही चल लेते हैं। मैं पैदल जा रहा, भैया बोले कि आया बस स्टैंड तुझे मैं छोड़ रहा हूँ। सो अभी ऑटो पे जा रहे हैं, बाकी सारे पैदल आ रहे हैं। सो बस स्टैंड हम लोग पहुँच गए। तो जितने भी यहाँ से बसें निकलती है वो अर्ली मॉर्निंग निकलती है, उसके बाद जो आपके पास ऑप्शन बसता है वो या तो ये टाटा सुमो है या टाटा मैक्स। तो मॉर्निंग में जो सोनप्रयाग के लिए बसें चलती है वो यहाँ से मिलेगी भाई 1:15 को और 5:00। मॉर्निंग के लिए बुकिंग भाई पहले से होने लग चुकी है और पूरी बुक बहुत जल्दी होती है, तो पहले आओ पहले पाओ वाला ये यहाँ पर सिस्टम चलता है। और यहाँ पर जो बस का किराया है ना भाई, सिर्फ 500 रुपये सोनप्रयाग का। ऋषिकेश से बस स्टैंड कितने भैया हमें मिले? भैया आप बुकिंग एजेंसी आपकी? सो हमने यहाँ से इनसे पूरी ये गाड़ी बुक करवाई है 10% के लिए, 10 लोगों के लिए ना? 9 लोगों के लिए। और ये कितना रुपये चार्ज करते हो इसका? चार्ज वैसे तो 1200 रुपये, आप आए तो 8500। भैया की गाड़ी पे हम जा रहे हैं और भैया ने 8:30 में दिया हुआ। थैंक यू भैया, हर हर महादेव। हर हर महादेव। सो फाइनली हम लोग निकल पड़े हैं भाई सोनप्रयाग के लिए और हमारा जो सफर होने वाला है भैया कितने घंटे का होगा? 7 घंटे का। सो भाई ऋषिकेश से निकलते निकलते पूरा 1.5 घंटा लगा है ट्रैफिक की वजह से, और अभी भी ट्रैफिक में फंसे पड़े हैं। तो सामने बंजी जंपिंग और जो स्विंग वाला झूला होता है जाइंट स्विंग, वो सामने दोनों हो रहे हैं। सो ऋषिकेश से 4 बजे निकले और यहाँ देवप्रयाग में पहुँचे हम लोग यहाँ पर 8 बजे। सो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ये बहुत ही प्यारा संगम, जिसे देखने के लिए लोग आते हैं दूर दूर से। तो यहाँ से एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा यहाँ से दर्शन देखने को मिलता है हमें यहाँ पर धारी देवी टेम्पल का। सो अभी देर रात हो चुकी है तो दर्शन तो नहीं होंगे, लेकिन अगर आप लोग जल्दी अर्ली मॉर्निंग आओ या दोपहर के समय आओ तो दर्शन जरूर करना यार। हम लोग रुद्रप्रयाग पहुँचे और रुद्रप्रयाग में हमारा खाना हो रहा है। भाई कितना रुपये प्लेट है इसका खाना? कितने रुपये प्लेट का प्राइस? 120 रुपये। तो ये प्लेट है 120 रुपये की, चावल और देंगे इसके अंदर। सो खाना फिनिश करने के बाद चले भाई चलो। सो मेन रोड से पुलिस वालों ने रोक दिया था, सो भाई ने एक शॉर्टकट लिया। सो हम पहुँचेंगे, लॉन्ग कट ही लेना पड़ा क्योंकि जो मेन रूट है वहाँ से पुलिस वालों ने हमें रोक दिया, तो भाई ने एक अलग रूट लिया। तो 12:30 सोनप्रयाग में हमारी एंट्री हो चुकी है। सो आज की रात सिर्फ 3 घंटे के लिए 200 रुपये चार्ज करे भाई 1%। सो सब लोग सो रहे हैं, हम वीडियो एडिट कर रहे हैं। सो आज रात के लिए शुभ रात्रि।